और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें कि कल ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, लेकिन आज सोनिया गांधी की नाराजगी इस पर जाहिर हो रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में जिस तरह से राहुल गांधी की फोटो छोटी छपी हुई है, इसको लेकर सोनिया गांधी नाराज हैं। अगर आपने उस मैनिफेस्टो को देखा होगा तो उसमें पहली नजर में आपको शायद राहुल गांधी दिखेंगे नहीं, एकदम नीचे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, हम निभाएंगे ये नाम दिया है अपना मैनिफेस्टो का कांग्रेस ने, और इसमें राहुल गांधी की एकदम छोटी सी फोटो नीचे छपी हुई है और ज्यादातर उसमें आपको लोग नजर आ रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्या जानकारी, क्या खबर आ रही है सोनिया गांधी की नाराजगी को लेकर? हेलो जी, अगर आप देखिए, हेलो आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, अगर आप देखिए तो कल जो मैनिफेस्टो का सोनिया गांधी बात करती हुई नजर आती हैं और वो काफी नाराज नजर आती है। वो राजीव गौड़ा से कुछ कह रही हैं और पहले वो पी चिदम्बरम से बात करती हैं, फिर रणदीप सुरजेवाला से, और मैनिफेस्टो को लेके वो कुछ हाथ से उनसे बात कर रही हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी इस बात को लेके खासा नाराज है कि मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस का लोगो और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ही पूरे मैनिफेस्टो के कवर पेज में नजर नहीं आते हैं। उनकी तस्वीर नीचे बहुत छोटी सी है, जिसको लेके सोनिया गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की राजीव गौड़ा को भी। और अगर आप देखें तो पूरे इवेंट में भी सोनिया गांधी खासा खुश नजर नहीं आई। जहां तक सवाल का की बात है तो रणदीप सुरजेवाला ने जब कहा कि आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और कुछ मीडिया पर्सन ने सोनिया गांधी से सवाल पूछना चाहा, तो उन्होंने सवालों के जवाब अभी देने से मना किया कि वो सवाल नहीं लेंगी। तो खासा पूरे इवेंट में सोनिया गांधी इस बात को लेकर अपसेट नजर आई कि कांग्रेस का इतना महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो है और हर बार की तरह इस बार ही कांग्रेस का ना तो लोगो नजर आ रहा है ना राहुल गांधी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।